सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 14 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी किया। दो भागों में जारी इन रिपोर्ट्स में डोनर्स और पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़ी डिटेल्स है, जैसे डोनेशन की डेट, खरीदार का नाम और किस पार्टी को कितना चंदा दिया गया है। 21 मार्च को ये एक और रिपोर्ट सामने आई जिसमें कौन सी इकाई ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया है ये डेटा है। सबसे ज्यादा चंदा प्राप्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष दाताओं में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड शामिल है। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चल रही सुनवाई का बताते हुए ये वीडियो इंटरनेट पर काफी शेयर किया जा रहा है। दिस इंफॉर्मेशन वुड हेल्प द वोटर टू टेक अ कॉल वेदर टू वोट इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी और नॉट। मतलब देयर आफ्टर दिस स्टार्टेड इन अ वेरी सिस्टमिक ऑलरेडी यूजर्स इसे शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि सुनवाई के वक्त भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कार्यवाही के बीच में ही उठकर अदालत से चले गए। राइट विंग इन्फ्लुएंसर अजीत भारती ने ये वीडियो ट्वीट किया और लिखा, वाव, अधिवक्ता बोलते रहे और चंद्रचूड़ उठकर निकल गया बिना कुछ बताए। और भी कई यूजर्स ये वीडियो ऐसे ही क्लेम के साथ ट्वीट करने लगे। इस कथित वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने यूट्यूब पर मौजूद सुप्रीम कोर्ट का चैनल खंगाला। इसमें हमें वायरल वीडियो वाला संबंधित वीडियो मिला। दिस इंफॉर्मेशन वुड हेल्प द वोटर टू टेक अ कॉल वेदर टू वोट इन फेवर ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी और नॉट। मतलब देयर आफ्टर दिस स्टार्टेड इन अ वेरी सिस्टमिक ऑलरेडी साफ हो जाता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ अपनी कुर्सी पर ठीक से बैठने के लिए उठे थे और सुनवाई जारी थी। वायरल वीडियो एक क्लिप वीडियो है जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि सीजेआई कुर्सी से उठकर चले गए, लेकिन ये सिर्फ एक अधूरी जानकारी थी।